सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं सपना में स्वागत करती हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल सब लॉक्स उत्तराखंडी में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़े होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त हैं। तो आज है 30 तारीख और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ पूरे परिवार सहित। तो अभी मैं आई ड्यूटी से और ड्यूटी से आके आज हम लोग निकल रहे हैं घर को। तो आज हम लोग निकल रहे हैं नाइट में, वैसे हम रोज़ सुबह चले जाते हैं लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं नाइट से। और अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी तैयारी वगैरह जाने की, पूरा कमरा फैल रखा है, बिखर रखा। तो पहले तो जाने हैं मार्केट, थोड़ा सामान लेना है वो लेके आते हैं और उसके बाद से करते हैं तैयारियाँ। तो अभी हम लोग के 2 बैग पैक हो चुके हैं, एक तीसरा बैग भी अभी तैयार है, मतलब इसमें थोड़े कपड़े उठे और इसे तो सब इग्नोर करना, अभी ऐसे फैला रखा हमने सामान। और ये मिला था हमें गिफ्ट आज। खुशी क्या कर रही है यहाँ पर? गई जी खुशी को देखो, चल जलाओ। गाइस ये अभी मामी जी की बेहेली चल रही, ड्राइंग डेली बना रहे गाइस, वो डेली बना रही है। अरे बना तो आ रही है यार, ये है कि सब है गाइस। चलो चलते। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं रेडी और खाना वगैरह भी खा लिया, खाए के एक दो रोटी खा ली मतलब, और बस के लिए रख दी हमने। हमने कहा अगर भूख लग जाएगी तो बस में खा लेंगे। और अभी बजने वाले हैं रात के 9, तैयार तो हम लोग हो चुके हैं, निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ रूम से। एक बार आपको गाँव जाने से पहले हरिद्वार का नज़ारा दिखा देती हूँ। तो अब ना ठंड भी शुरू हो चुकी है और मैंने भी जैकेट डाल ली क्योंकि अभी बस में लगेगी ना ठंड। और बब्बी तो अभी हाथ में ही घूम रही है ऐसी, ये तो हीरोइन ही है। चल बत्तीस दिखेली बत्तीस है बोर्ड। ये देखिए बब्बी और हम दोनों अभी छत पे घूम रहे हैं। ये देखिए इन दोनों का मिलन हो रहा है, निधि और बब्बी का। चेहरा दिखाने दे गाइस, अपना चेहरा दिखाने दे। और इधर ये देखो मामी, हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। चलो ठीक, बाय 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 गाइस। डांट नहीं मार रही, बाय बाय भान फुटगी। ये है मामा जी, बाय बाय, हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली बच्चों। ये मामी की तो अभी पूरी तैयारी में डिजाइन बन रही है। हाँ मामी, तो हम लोग निकलते हैं फिर। अब भैया भी आ चुके हैं हमें लेने के लिए, रूम पे ही आ गए थे बैग लेने के लिए। सुभाष नगर को बाय बाय करते हुए। तो अभी ना बस रुकी है, हम लोग हरिद्वार से निकल चुके थे और अभी बस रुकी है आगे ढाबे पे। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद से चलते हैं आगे को। Oh, oh, oh.
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं हल्द्वानी से आगे को, और यहाँ से डायरेक्ट खैरना के लिए तो बस भी नहीं मिल रही है। हम बैठे अल्मोड़ा वाली में, ले भी नहीं जा रहे बस वाले, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी साफ उजाला भी नहीं हुआ है, हल्का हल्का उजाला हो रहा है, और हम लोग पहुंचने वाले हैं कैंची धाम पे। तो सुबह सुबह बाबा नीम करौली के दर्शन करते हुए चलते हैं हम लोग भी। तो दोस्तों सुबह पहाड़ों में हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है, ये देखिए, और ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है पहाड़ों में तो, और धूप भी आ चुकी है हल्की फुल्की। तो ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव, और अभी घर तो नहीं पहुंचे हैं, आधे रास्ते में बैठ रखे हैं भूमिया पर, भूमिया मंदिर पे। थकान लग चुकी है हम लोग को बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर अंजू नेहा हमको लेने आए हैं, अभी ना हम लोग रोड से थोड़ी दूर तक आए हैं, अभी यहाँ से थोड़ा और है, दिखाते हो आप लोग को कितना आगे कितना और जाना है। गाइस हमारा तो घर ही दिख रहा है यहाँ से। तो सुबह सुबह का मौसम ना एकदम मस्त हो रहा है, ये देखिए, इसलिए बोलते हैं पहाड़ों में सुकून होता है, कितना मस्त लग रहा है। अभी अभी धूप आ ही रही है, और आजकल खेतों में भी गेहूं बोने का काम चल रहा है इस साइड की खेती में, बो भी दिए किसी ने, कोई बो भी रहे होंगे उस साइड को, बो रहे हैं। और अब हम लोग चलते हैं ऊपर को। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अपने धारे पे, ये देखिए कितने महीनों बाद पियेंगे आज इसका पानी भी। हैप्पी बर्थडे टू यू गाइस, हमारा रितिक तू पहले जय क्यों नहीं बोला रे, खुश रहो। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने घर पे, ये देखिए, ये क्या सुकून है भाई। गाइस फाइनली दीदी लोग पहुंच चुके हैं घर, ये आइए आइए। तो घर पहुंच गए हम लोगों ने, चाय पानी पी लिया, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह भी कर लिया, एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सबको मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।